अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिसे के घर बाप को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिसके बाद जरबाब जो है वो अपनी सेकंड वाइफ से यही कहेगा कि आओ चलिए बाहर चलते हैं, कहीं डिनर पे चलते हैं। ये बात सुन के एकदम उसकी सेकंड वाइफ हैरान परेशान से होकर उसको देखने लग जाती है। जरबाब यही कहेगा कि शोर होने के नाते मेरे कुछ फ़र्ज हैं और वो मैंने अपने अदा करने हैं, यानी दोनों घूमने फिरने के लिए जरबाब और उसकी वाइफ बाहर जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए और शॉपिंग भी कर रहे होंगे। तो वहीं पर किरण भी किसी से बात कर रही होगी अपनी दोस्त से, वो उन लोगों को वहाँ पर देख लेगी, बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाएगी किरण। यानी किरण जब जरबाब को और उसके सेकंड वाइफ को देखेगी उसके साथ दोनों इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं, तो किरण के दिल में बहुत ज़्यादा बदगुमानी सी जाग जाएगी और बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हो जाएगी उन दोनों के खिलाफ। जिसके बाद अब किरण के साथ इतने धोखेबाजियाँ हो चुकी हैं, किरण किसी पर एतबार नहीं कर सकती। जिसके बाद किरण की जिसके दोस्ती है वो लड़की यही कहेगी अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई हर वक्त तुम्हारे बारे में, तुम्हारे उठने बैठने जागने सोने उठने तुम्हारी सब तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। यानी वो लड़की अपने भाई से किरण को मिलवा देगी और वो भी खाली पैसा दौलत की वजह से सब कुछ किरण के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को पता है किरण के पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, इसलिए अपने भाई को पीछे लगाया है। किरण उस लड़के से जब मिलेगी किरण यही कहेगी कि मुझे तो डर लगता है मोहब्बत से, धोखेबाजी से, वफादारी से, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है। जिसके बाद वो लड़का यही कहेगा कि आप एक बार बस मुझ पर एतबार करके देखें, देखना सब कुछ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह आप अकेली हैं, आप अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं, इस तरह मैं भी अकेला ही हूँ, अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, हम दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। यानी वो लड़का किरण को प्रपोज कर देगा और हो सकता है किरण उस लड़के से शादी भी कर ले, वो भी हसद की आड़ में, क्योंकि जब से उसने जरबाब को और उसकी सेकेंड वाइफ को एक साथ देखा है दोनों इंजॉय कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खुश है किरण तो ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और अब हो सकता है कि वो शादी कर ले और बाद में सब कुछ दौलत उसका लूट जाएगा, तब वो बर्बाद हो जाएगी किरण। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिसे के घर बाप को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिसके बाद जरबाब जो है वो अपनी सेकंड वाइफ से यही कहेगा कि आओ चलिए बाहर चलते हैं, कहीं डिनर पे चलते हैं। ये बात सुन के एकदम उसकी सेकंड वाइफ हैरान परेशान से होकर उसको देखने लग जाती है। जरबाब यही कहेगा कि शोर होने के नाते मेरे कुछ फ़र्ज हैं और वो मैंने अपने अदा करने हैं, यानी दोनों घूमने फिरने के लिए जरबाब और उसकी वाइफ बाहर जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए और शॉपिंग भी कर रहे होंगे। तो वहीं पर किरण भी किसी से बात कर रही होगी अपनी दोस्त से, वो उन लोगों को वहाँ पर देख लेगी, बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाएगी किरण। यानी किरण जब जरबाब को और उसके सेकंड वाइफ को देखेगी उसके साथ दोनों इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं, तो किरण के दिल में बहुत ज़्यादा बदगुमानी सी जाग जाएगी और बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हो जाएगी उन दोनों के खिलाफ। जिसके बाद अब किरण के साथ इतने धोखेबाजियाँ हो चुकी हैं, किरण किसी पर एतबार नहीं कर सकती। जिसके बाद किरण की जिसके दोस्ती है वो लड़की यही कहेगी अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई हर वक्त तुम्हारे बारे में, तुम्हारे उठने बैठने जागने सोने उठने तुम्हारी सब तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। यानी वो लड़की अपने भाई से किरण को मिलवा देगी और वो भी खाली पैसा दौलत की वजह से सब कुछ किरण के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को पता है किरण के पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, इसलिए अपने भाई को पीछे लगाया है। किरण उस लड़के से जब मिलेगी किरण यही कहेगी
रहेगी कि मुझे तो डर लगता है मोहब्बत से, धोखेबाजी से, वफादारी से, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, जिसके बाद लड़का यही कहेगा कि आप एक बार बस मुझ पर एतबार करके देखें, देखना सब कुछ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह आप अकेली हैं, आप अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं, इस तरह मैं भी अकेला ही हूँ, अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, हम दोनों के एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। यानी वो लड़का किरण को प्रपोज कर देगा और हो सकता है किरण उस लड़के से शादी भी कर ले, वो भी हसद की आड़ में, क्योंकि जब से उसने ज़रबाब को और उसकी सेकेंड वाइफ को एक साथ देखा है, दोनों इन्जॉय कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खुश है किरण, तो ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और अब हो सकता है कि वो शादी कर ले और बाद में सब कुछ दौलत उसका लूट जाएगा, तब वो बर्बाद हो जाएगी किरण। ड्रामा से सियानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमत का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिसे के घर बाप को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिसके बाद जरबाब जो है वो अपनी सेकंड वाइफ से यही कहेगा कि आओ चलिए बाहर चलते हैं, कहीं डिनर पे चलते हैं। ये बात सुन के एकदम उसकी सेकंड वाइफ हैराना परेशान से होकर उसको देखने लग जाती है। जरबाब यही कहेगा कि शोर होने के नाते मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं और वो मैंने अपने अदा करने हैं। यानी दोनों घूमने फिरने के लिए जरबाब और उसकी वाइफ बाहर जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हैं खाना खाने के लिए, शॉपिंग भी कर रहे होंगे, तो वहीं पर किरण भी किसी से बात कर रही होगी अपनी दोस्त से, वो उन लोगों को वहाँ पर देख लेगी, बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी किरण। यानी किरण जब जरबाब को और उसके सेकंड वाइफ को देखेगी उसके साथ, दोनों इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं, तो किरण के दिल में बहुत ज़्यादा बदगुमानी सी जाग जाएगी और बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हो जाएगी उन दोनों के खिलाफ, जिसके बाद अब किरण के साथ इतने धोखेबाजियाँ हो चुकी हैं, किरण किसी पर एतबार नहीं कर सकती, जिसके बाद किरण की जिसके दोस्ती है वो लड़की यही कहेगी अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई हर वक्त तुम्हारे बारे में, तुम्हारे उठने बैठने जागने सोने उठने तुम्हारी सब तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। यानी वो लड़की अपने भाई से किरण को मिलवा देगी और वो भी खाली पैसा दौलत की वजह से सब कुछ किरण के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को पता है किरण के पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, इसलिए अपने भाई को पीछे लगाया है। किरण उस लड़के से जब मिलेगी किरण यही कहेगी कि मुझे तो डर लगता है मोहब्बत से, धोखेबाजी से, वफादारी से, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, जिसके बाद लड़का यही कहेगा कि आप एक बार बस मुझ पर एतबार करके देखें, देखना सब कुछ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह आप अकेली हैं, आप अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं, इस तरह मैं भी अकेला ही हूँ, अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, हम दोनों के एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। यानी वो लड़का किरण को प्रपोज कर देगा और हो सकता है किरण उस लड़के से शादी भी कर ले, वो भी हसद की आड़ में, क्योंकि जब से उसने जरबाब को और उसकी सेकेंड वाइफ को एक साथ देखा है, दोनों इन्जॉय कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खुश है किरण, तो ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और अब हो सकता है कि वो शादी कर ले और बाद में सब कुछ दौलत उसका लूट जाएगा, तब वो बर्बाद हो जाएगी किरण। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमत का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ,
तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिसे के घर बाप को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिसके बाद जरबाब जो है वो अपनी सेकंड वाइफ से यही कहेगा कि आओ चलिए बाहर चलते हैं, कहीं डिनर पे चलते हैं। ये बात सुन के एकदम उसकी सेकंड वाइफ हैरान परेशान से होकर उसको देखने लग जाती है। नहीं जरबाब यही कहेगा कि शोर होने के नाते मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं और वो मैंने अपने अदा करने हैं। यानी दोनों घूमने फिरने के लिए जरबाब और उसकी वाइफ बाहर जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हैं खाना खाने के लिए, शॉपिंग भी कर रहे होंगे। तो वहीं पर किरण भी किसी से बात कर रही होगी अपनी दोस्त से, वो उन लोगों को वहाँ पर देख लेगी। बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाएगी किरण, यानी किरण जब जरबाब को और उसके सेकंड वाइफ को देखेगी उसके साथ, दोनों इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं, तो किरण के दिल में बहुत ज़्यादा बदगुमानी सी जाग जाएगी और बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हो जाएगी उन दोनों के खिलाफ। जिसके बाद अब किरण के साथ इतना धोखेबाजियाँ हो चुकी हैं, किरण किसी पे एतबार नहीं कर सकती। जिसके बाद किरण की जिसके साथ दोस्ती है वो लड़की यही कहेगी अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई हर वक्त तुम्हारे बारे में, तुम्हारे उठने बैठने जागने सोने उठने तुम्हारी सब तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। यानी वो लड़की अपने भाई से किरण को मिलवा देगी और वो भी खाली पैसा दौलत की वजह से सब कुछ किरण के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को पता है किरण के पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, इसलिए अपने भाई को पीछे लगाया है। किरण उस लड़के से जब मिलेगी किरण यही कहेगी कि मुझे तो डर लगता है मोहब्बत से, धोखेबाजी से, वफादारी से, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है। जिसके बाद वो लड़का यही कहेगा कि आप एक बार बस मुझ पर एतबार करके देखें, देखना सब कुछ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह आप अकेली हैं, आप अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं, इस तरह मैं भी अकेला ही हूँ, अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, हम दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। यानी वो लड़का किरण को प्रपोज कर देगा और हो सकता है किरण उस लड़के से शादी भी कर ले, वो भी हसद की आड़ में, क्योंकि जब से उसने जरबाब को और उसकी सेकेंड वाइफ को एक साथ देखा है, दोनों इंजॉय कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खुश है किरण, तो ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और अब हो सकता है कि वो शादी कर ले और बाद में सब कुछ दौलत उसका लूट जाएगा, तब वो बर्बाद हो जाएगी किरण। ड्रामा के चैनल नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इससे भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमत का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।